वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मे पल्लवी पाटिल। सो आज आप काफी टाइम के बाद मेरे को देख रहे होंगे ऐसे ब्लॉग बनाते। मैं आई थिंक 2 या 3 महीने पहले ब्लॉग बनाई थी, उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं थोड़ा सा बिजी थी, बाहर चले गई थी तो मैं बनाई नहीं थी, और अभी फिर मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। बट होप सो आगे बनाऊंगी, भले वीक में बनाऊं या जैसे भी मैं मैनेज करूंगी और मैं बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये ब्लॉग मेरे सिस्टर के ऊपर है। मेरे सिस्टर जो अलका पाटिल, आपने मेरे चैनल में देखे होंगे कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करी थी वो वही करी थी, वही इंट्रोड्यूस करी थी। फिर वो नहीं बना पाई क्योंकि वही मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो उसको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो बाहर जा रही है, इसलिए वो नहीं बनाई। और सो फिर मैं कंटिन्यू करी, और जब उस टाइम वो इंट्रोड्यूस करी थी ये वीडियो, तो उस समय उसको जस्ट अपॉर्चुनिटी आई थी तो उसके लिए उसको प्रिपरेशन करना था, इसलिए वो फिर वीडियो मैं बाकी जो ब्लॉग्स थे मैं कंटिन्यू करी और आगे शायद मैं ही करूंगी। हाँ, तो ये सब चीज तो था इंट्रोडक्शन का। अब वो कहाँ जा रही है वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, क्योंकि उससे पहले मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, उसके बाद मैं ये चीज डिस्क्लोज करूंगी कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। क्यों है उसका जवाब मैं भी देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत अच्छी वहां से अपॉर्चुनिटी मिली है फॉर हर करियर, सो इसलिए वो वहां जा रही है। जैसे अलका को बाहर से ऑफर आया, मानती हूँ ये सबके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि हम ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ फ्लाइट में ही बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अलका कभी अकेले कहीं ऐसे बाहर ट्रैवल नहीं करी है फ्लाइट से, लेकिन वो जो अभी ट्रैवल करने वाली है वो अकेले ट्रैवल करने वाली है। यहाँ से दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर वो जहाँ उसका डेस्टिनेशन है वहीं जाएगी वो। और एक चीज और, हमारे पूरे खानदान में, हमारे एंटायर फैमिली में अलका फर्स्ट ऐसे फीमेल है जो आउट ऑफ कंट्री जा रही है, वो भी अकेले। अभी हालांकि किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, बहुत सारे एक्साइटेड नहीं होंगे नहीं जानने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि जब अलका को ये ऑफर आया था तो हम लोग मतलब अब पहली बार ऐसा कुछ ऑफर आ रहा है, तो हम लोग अपने जो क्लोज हैं, जो यू नो बड़े लोग हैं, जो भी हैं, हम उनसे डिस्कस करें कि हाँ ऐसा ऐसा ऑफर आया है क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो बहुत खुश थे कि हाँ यार चलो मतलब ऐसा आया है तो बाहर जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में नहीं थे। बहुत इन थैंक्स टू माय मॉम डैड, वो इतने ब्रॉड माइंडेड और इतने मेंटली स्ट्रांग हैं। जब आया उसको ये अपॉर्चुनिटी तो हम लोग टेस्ट में थे कि यार कैसे भेज दे अकेले, कैसे रहेगी वहां का एटमोसफियर, अपने इंडिया का एटमोसफियर बहुत डिफरेंट है, कैसे वो सर्वाइव करेगी। बट ठीक है, अलका है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेंटली स्ट्रांग है और फिजिकली भी स्ट्रांग है। तो फिर मेरे पेरेंट्स सोचे कि नहीं यार मतलब भेजना चाहिए, स्पेशली मेरे डैड, वो बोले कि नहीं भेजना चाहिए। मम्मी तो थोड़ा सा इमोशनल टाइप वाली है कि अरे यार अपनी बच्ची को मैं कैसे दूर भेजूं या जो भी है एक्स वाई जेड, हम रायपुर या छत्तीसगढ़ से ही बाहर जाते तो मेरी मम्मी टेंशन में आ जाती है यार कहाँ गए हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं। वो सारे पेरेंट्स का है वो, और उनका सोचना जायज भी है। फिर मेरे पेरेंट्स चलो फिर अलाउ किए, हम लोग फिर पूरा प्रिपरेशन तैयारी करे, और ड्यूरिंग ये प्रिपरेशन कौन कौन हम लोग की हेल्प कर रहा था या करा है, मैं भी उसकी बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जो हेल्प करे, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो लोग भी बहुत यू नो लाइक मेंटली सपोर्ट करना और वहां की चीजें बताना कि हाँ ऐसा है ऐसा करना, बहुत सारे लोग थे जो ऐसे सपोर्ट करे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि डीमोटिवेट करे, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स। सबसे अच्छी बात कि मेरे पेरेंट्स किसी की बात नहीं सुने, वो हमेशा हम लोग पे ऐसे मतलब ट्रस्ट करते हैं, और हम ऐसा कोई गलत काम भी ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट ना करें, तो वो ट्रस्ट करे किसी से, मतलब कुछ कुछ लोगों से डिस्कस करे, उसके बाद वो अलाउ कर दिए जाने का, तो फिर पूरा प्रिपरेशन हुआ, फिर वो फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन गई। अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम आए हैं पंकज भैया के घर उनकी कार लेने, सुबह अलका को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तो ये है पंकज भैया, हेलो। हाँ, इन्हीं की गाड़ी अभी हमने लेने आए हैं, तो
अभी लेके जाते हैं, अभी अंधेरा है तो उतने अच्छे से लाइट नहीं आ रहा है। बाकी मैं तो पंकज भैया की गाड़ी हम लोग इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि पापा अपनी गाड़ी एमपी में ही छोड़ दिए थे और वो 2 दिन के लिए आ रहे थे और ज़्यादा यहाँ रायपुर में उतना कार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पापा बोले कि तुम अरेंज कर देना। तो अब सुबह हमको 3 बजे ड्रॉप करने जाना था तो अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा था, ओला भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पंकज भैया को बोली तो पंकज भैया ने फिर दिए, तो हम वही लेने आए थे यहाँ पे। स्पेशली मैं पंकज भैया को थैंक यू बोलूंगी क्योंकि पंकज भैया थे, मतलब इस पूरे जर्नी में उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है और उनको मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी, बहुत बहुत थैंक यू। और केशव को इसलिए क्योंकि केशव भी बहुत अलका का बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो भी अलका को मेंटली मेंटली एडवाइस दिया, उसको मेंटली सपोर्ट करा, तो वो भी एक पर्सन है हमारी लाइफ। तो हमको लाइफ में ऐसा फ्रेंड रखना चाहिए जो मींस विदाउट विदाउट ग्रीडी, विदाउट एक्सपेक्टेशन हमसे कि हमें हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, ऐसे लोगों को ना रखना चाहिए क्योंकि जैसे पॉजिटिव लोग हैं वैसे नेगेटिव लोग भी हैं। बहुत लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं विदाउट विदाउट एक्सपेक्टेशन, बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ चलो अरे नहीं, मेन जेलस आ जाती है कि कैसे इसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, कैसे ये बाहर जा सकती है, मतलब थी चीजें। तो ये जो ड्यूरिंग जर्नी था हम लोग ऐसे बहुत लोगों को ऐसे देखे, बहुत लोगों ने डीमोटिवेट करे, लेकिन फिर भी गॉड ग्रेस, भगवान की दया थी जो अलका चले गई बाहर। तो बस तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3, तो हम लोग निकल गए हैं अलका को एयरपोर्ट लेके। फ्लाइट सुबह 7 बजे की थी लेकिन जिन्होंने टिकट बुक करे वो बोले थे कि पहली बार ट्रैवल कर रही है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे बेटर है कि 3 घंटे 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। तो हम लोग सुबह ही चले गए थे और जब एयरपोर्ट में आए तो एयरपोर्ट भी इवन क्लोज था यहाँ का और काफ़ी अंधेरा भी था। और ये हम पहुंच गए सुबह सुबह एयरपोर्ट जहाँ कोई भी नहीं था, 1 या 2 से पैसेंजर दिख रहे थे, वो भी पता नहीं क्यों इतना जल्दी आ गए, हमें तो चलो कन्फ्यूज़न हो गया था लेकिन वो भी आके बैठे हुए थे। और अभी बज रहे हैं 4 तो हम फाइनली 4 बजे पहुंच गए थे। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है डिपार्चर, हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। और ये टाइम था अलका को ड्रॉप करके वापस आने का, बहुत इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो गया था क्योंकि पहली बार अलका ट्रैवल कर रही थी। पूछ रहे हैं चेक इन कर रहे होंगे यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसने तो जाने, तो इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। बस यहाँ से हम अलका को ड्रॉप करें, अलका चेक इन 6 बजे करेगी और अभी 5:30 बज रहा था तो हम लोग 3:30 से लेके 5:30 तक वहाँ पे थे। अब उसको ड्रॉप कर दिए फाइनली क्योंकि हम लोग को भी जाना था और अलका चेक इन कर लेगी। और मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी इसलिए मैं बोली कि नहीं 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 अब चलना चाहिए नहीं तो रोना वोना स्टार्ट हो जाता। बस फिर वहाँ से उसको हम ड्रॉप करें और घर की और निकल गए। फिर यहाँ से अलका का स्टार्ट हुआ रायपुर टू दिल्ली की जर्नी। और ये अलका पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में अलका को 9 घंटे रुकना था क्योंकि जो उसकी फ़्लाइट थी जहां वो जा रही थी उसके डेस्टिनेशन को 9 घंटे बाकी थे। उसकी फ़्लाइट शाम को थी 7 बजे तो वो वहीं पे 8-9 घंटे वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे रुकी थी। और ये फाइनली अलका पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन जहां उसको जाना था। अरे वो तो दिल्ली में ही छूट गया, फोन आ रहा है। मिल गया? हाँ। दोनों मिल गया? नाम पढ़ लेना, नाम पढ़ लेना रे। हाँ चलो ठीक है, दोनों लगे जा गया था।
एग्जिट कहाँ से कर? उसको निकलने का जगह नहीं दिख रहा कहाँ से। गूगल मैप कर ले एग्जिट के लिए। मम्मी को बहुत सुकून मिला, वो सही सलामत वहाँ पहुँच गई और ये अब उसका फ्रेंड आया है उसको उसके डेस्टिनेशन में रिसीव करने। मैं अभी नहीं बताऊँगी कि वो कहाँ गई है। अच्छा चलो बता देती हूँ, वो गई है बहरीन। बहरीन भी एक बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा सा आइलैंड है जो भी आता है एशियन कॉन्टिनेंट में ही, और बहुत प्यारा सा कंट्री है, बहुत प्यारा सा सिटी है। अलका ने मेरे को वहाँ से वीडियो क्लिप भेजी है तो मैं ऐड करी हूँ, प्लीज़ आप मिस नहीं करना, आप पूरा एंड तक देखना। और बस यहाँ से अलका की बहरीन की जर्नी लाइफ कह सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ। आई होप मेरा ये जो अलका का जो पूरा मेरा वीडियो और अलका का पूरा जर्नी है वो देखेंगे बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे अलका के ही कुछ फ्रेंड्स हैं या मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं तो ये वीडियो देखेंगे, तो उनको भी बच्चों को अगर बाहर से अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उन्हें भेज सकते हैं, सेफली भेज सकते हैं। मुझे ऐसा मतलब आई होप कि जो और भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मेरे इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा, उनको स्ट्रेंथ मिलेगा कि कल के दिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट करके बाहर भेज हैं। और मैं यही पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा यू नो हाँ आप इनसिक्योर रहिए लेकिन थोड़ा सा बच्चों पे ट्रस्ट करें और यू नो मेंटली स्ट्रांग उनके ऊपर मेंटली आप बिलीव करें कि हाँ हमारा बच्चा कर सकता है। आप उनको इतना एजुकेशन दिए हो, सब कुछ दिए हो, तो मैं यूज से यही रिक्वेस्ट करूंगी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और भी बहुत लोग हैं जो कभी ऐसा ऑफर आता है ना तो बिल्कुल आप उसको एक्सेप्ट करो और बिल्कुल बाहर जाओ और बस। शेयर करें, कमेंट करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, शायद ये जो हमारा वीडियो है वो और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करे, हेल्प करे। तो बस मेरे वीडियो को देखें और ऐसे ही प्यार बना के रखें और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी, तो तब तक बने रहें एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।